राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर एक गंभीर आरोप लगा। आरोप ये लगाया गया कि उन्होंने कांग्रेस से गद्दारी की है। कांग्रेस उम्मीदवार उम्मेदा राम को समर्थन नहीं दिया, बल्कि समर्थन रविन्द्र सिंह भाटी को दिया और चुनाव में रविन्द्र सिंह भाटी को अशोक गहलोत ने जिताया। आमीन खान को रविन्द्र सिंह भाटी के समर्थन में भी अशोक गहलोत ने ही उतारा था। अशोक गहलोत की ही जादूगरी थी। अब ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दो कार जो अशोक गहलोत को पिक करने एयरपोर्ट पहुंची हुई थी, वो रविन्द्र सिंह भाटी के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रही थी। अब इसके बाद ये आरोप लगा, लेकिन अब सच्चाई इसकी क्या है वो सामने आ गई है। इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि कैसे आरोप लगे और कैसे ये बताया गया कि अशोक गहलोत ने रविन्द्र सिंह भाटी का समर्थन किया है, उनसे मुलाकात की है, बातचीत हुई है। भले उन्होंने उम्मेदा राम के समर्थन में सभा की हो, रैली की हो, लेकिन चुनाव प्रचार जो है वो एक तरीके से जो अपने समर्थकों का समर्थन देना था वो उन्होंने रविन्द्र सिंह भाटी को दे दिया था, वो भी गुप्त समर्थन उन्होंने दिया था। सुरेंद्र चौधरी जो कि कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया और लिखा कि मैंने जिंदगी में कभी भी इससे बड़ा गद्दार नहीं देखा। बेटे को जिताने के लिए माँ जैसी पार्टी के साथ गद्दारी शर्मनाक। अशोक गहलोत उर्फ जादूगर साहब उम्मेदा राम जी बेनीवाल को हराने में लगे थे। जो गाड़ी एक्स सीएम को लेने आ रही थी वो गाड़ी निर्दलीय प्रत्याशी की ही थी। मतलब साफ है, इसके पीछे काफी बड़े हाथ थे। एक्स सीएम के इशारे पर ही आमीन और मेवा राम का भी निर्दलीय को सपोर्ट रहा। ये लिखा गया सुरेंद्र चौधरी की तरफ से। साथ ही उन्होंने चार तस्वीरें भी पोस्ट की। एक तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं अशोक गहलोत, तो दूसरी तस्वीर जो है वो अनुमति पत्र की है, जो अनुमति पत्र दिया गया था अशोक गहलोत को पिक करने के लिए, उसमें दो गाड़ियों का नंबर लिखा हुआ है और नाम लिखा हुआ है विश्व प्रताप सिंह और कल्याण सिंह। और ये जो गाड़ी का नंबर है वो दोनों गाड़ी की तस्वीर भी लगाई गई है। एक में खुद रविन्द्र सिंह भाटी नजर आ रहे हैं तो दूसरे में उनका पट जो है वो लहरा रहा है। अब सिर्फ सुरेंद्र चौधरी ने ही सवाल नहीं खड़ा किया, बल्कि सवाल खड़ा किया गया लोकेश शर्मा की तरफ से भी। ये गहलोत के पूर्व ओएसटी हैं। उन्होंने भी पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सोशल मीडिया पर चल रही खबरें अगर सही हैं, तो राजस्थान लोकसभा चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन को तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने भी पोस्ट कर दिया और उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता जिस निर्दलीय प्रत्याशी को भाजपा की बी टीम बता रहे थे, वो उन्हीं की पार्टी कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत की ए टीम निकले। अब जब अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगे तो खुद कांग्रेस उम्मीदवार उम्मेदा राम सफाई देने सामने आ गए। अशोक गहलोत का समर्थन करते हुए उन्होंने ये कहा कि सोशल मीडिया पर जो भी चल रहा है वो बिल्कुल अफवाह है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत सिवाना में आए थे और उन्होंने मेरे पक्ष में रैली की थी, मेरे लिए चुनाव प्रचार किया था, लेकिन कहानी जो है वो असल कहानी है, चलिए वो हम अब आपको बताते हैं। ये तो आरोप प्रत्यारोप हो गए। असल कहानी ये थी कि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत अपने बेटे वैभव के लिए प्रचार करने जाने वाले थे। 21 अप्रैल को जालौर उन्हें जाना था, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होने के चलते उन्हें अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद गहलोत ने उतरलाई एयरपोर्ट पर उतरने की परमिशन मांगी थी। अब एयरपोर्ट से उनको ले जाने के लिए जोधपुर की एक निजी ट्रैवल कंपनी से दो गाड़ियां बुक कराई गई थी। अब इस संबंध में बाड़मेर उप जिला निर्वाचन अधिकारी के तरफ से लिखित में पूर्व सीएम के लिए दो गाड़ियों को बाड़मेर में परमिशन दी गई थी, जिसको आधार बनाकर आरोप लगाया जा रहा है। और एक का नंबर था RJ04UA7057 और दूसरे का था RJ14UK2992, जिसका जिक्र सुरेंद्र चौधरी ने भी अपने ट्वीट में किया था, हमने आपको अभी बताया। अब ये जो है पूरी कहानी जो है 20 अप्रैल की रात को शुरू होती है और उसके बाद ये आरोप लगने शुरू हो जाते हैं कि देखिए दो गाड़ी जो है वो रविन्द्र सिंह भाटी के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रही थी और अशोक गहलोत को लेने भी वही गाड़ी जाती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऑफिसर्स का ये कहना है कि देखिए जो ट्रैवल कंपनी ने गाड़ी भेजी थी उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, हमने ट्रैवल कंपनी से ये गाड़ी ली थी और वो गाड़ी किसके लिए कहाँ चुनाव प्रचार कर रही है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। अब इससे तो ये साफ हो जाता है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से या फिर उनके समर्थकों की तरफ से, कुछ तो जरूर था जिसकी वजह से ये इतना बड़ा सवाल खड़ा हुआ। अब सुरेंद्र चौधरी इस पूरे मामले को लेकर आगे भी कई सारे ट्वीट करते हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि हाँ, रविन्द्र सिंह भाटी के समर्थन में कहीं ना कहीं अशोक गहलोत थे। आमीन खान का रविन्द्र सिंह भाटी को समर्थन करना भी इसी तरफ इशारा करता है।
इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक और बयान जो है वो रविंद्र भाटी का वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के नेताओं को सीरियस नहीं लेते, लेकिन हाँ अशोक गहलोत को लेकर उन्होंने अच्छी बातें की थी, जिसके बाद से शक जो है वो पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है कि देखिए अशोक गहलोत जो है उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी का ही समर्थन किया था और उम्मेदाराम को चुनाव में पूरी तरीके से मात मिली और इसीलिए शायद बौखलाहट है जिसकी वजह से रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ कई एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई हैं। रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ एफआईआर हो गई, आमीन खान को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया और अब अशोक गहलोत को भी पार्टी से बाहर निकालने के लिए आवाज उठाई जा रही। यही सुरेंद्र चौधरी जिन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया था, उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए लिखा है कि गद्दार का दूसरा नाम अशोक गहलोत उर्फ जादूगर ही है, कांग्रेस पार्टी हाईकमान से निवेदन है कि इन जैसों को तुरंत पार्टी से निकाला जाए। इसके साथ ही कई और भी चीजें इनके तरफ से की जा रही हैं और लगातार कई ट्वीट जो है वो किए जा रहे हैं अशोक गहलोत को लेकर, लेकिन इसी में एक खास ट्वीट जो है वो आमीन खान और अशोक गहलोत को लेकर किया गया है, जिस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी हो जाता है क्योंकि सुरेंद्र की तरफ से लिखा गया है कि जादूगर साहब के साथ खड़ा ये व्यक्ति शिव से पूर्व विधायक आमीन खान है, जिन्होंने अपनी मां जैसी कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया और सब लोग जानते हैं आमीन खान किस नेता के खास आदमी हैं। आमीन खान को तो बाहर कर दिया गया, अब इनका भी नंबर आ जाना चाहिए और अशोक गहलोत के साथ तस्वीर लगाई गई। मतलब ये साफ हो गया कि आमीन खान को लेकर कांग्रेस ही ये कह रही है, उनके समर्थक ही ये कह रहे हैं कि देखिए वो अशोक गहलोत के बेहद करीबी हैं और समर्थक तो ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से आमीन खान को बाहर किया गया है उसी तरीके से अशोक गहलोत को भी बाहर किया जाना चाहिए, क्योंकि वो दोनों गाड़ियां जो हैं वो कुछ ना कुछ तो बयां कर गई।